हेलो गाइस, तो गाइस आ चुके हैं हम लोग और वीडियो के साथ में। और इस वाली वीडियो में हम लोग कुछ बात करने वाले हैं पबजी मोबाइल ग्लोबल वर्जन और पबजी मोबाइल कोरिया वर्जन के बारे में। अभी गाइस यहाँ पे कुछ अभी जो न्यूज़ आई है जहाँ पर निकल के आया है कि पबजी मोबाइल इंडिया के अंदर बैन होने वाला है, जिसके ऊपर मैंने एक वीडियो पहले भी बना दी है। तो अब देखो बात आती है कि पबजी मोबाइल लाइट और पबजी मोबाइल ये दो गेम है, पबजी मोबाइल ग्लोबल वर्जन का जो मेन गेम है, ये दोनों 120 एप्स की लिस्ट में है। मतलब ये ऐप तो बैन होने वाले हैं, लेकिन जो पबजी मोबाइल कोरिया वर्जन है वो अपने जो 120 एप्स की लिस्ट है उसके अंदर पबजी मोबाइल का कोरिया वर्जन नहीं है। तो अब बहुत से लोगों के माइंड में ये आ रहा होगा कि क्या हम लोग पबजी मोबाइल कोरिया वर्जन खेल सकते हैं या फिर नहीं, मतलब ऐसा पबजी मोबाइल कोरिया वर्जन भी बैन होगा या फिर नहीं, या फिर ऐसा क्या है। तो देखो ऐसा है कि पबजी मोबाइल जो था वो भी फुल एंड फाइनल टेंसेंट की तरफ से था, ठीक है, तो वो बैन हो गया। वो चाइनीज़ कंपनी थी तो उसको बैन कर दिया गया है। अब वो क्यों बैन हुआ उसके ऊपर मैंने एक वीडियो बना रखी है, तो वो मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा। अब यहाँ पर हम आते हैं कि क्या पबजी मोबाइल का जो ग्लोबल वर्जन है, सॉरी कोरिया वर्जन है, वो हम खेल पाएंगे या फिर नहीं। तो देखो जहाँ तक चांस है, मेरे को जहाँ तक लगता है कि पबजी मोबाइल का जो कोरिया वर्जन है वो भी बैन होगा, 80% चांस है उसके भी बैन होने के। अब बताता हूँ मैं क्यों। अब देखो यहाँ पे ये बात आती है कि ये जो ऐप है पबजी मोबाइल, ये ना सिक्योरिटी, अगर देखो यहाँ पे दो लेवल हो सकते हैं। अगर ये सिक्योरिटी लेवल पे बैन करेंगे इसको, तब आप पबजी मोबाइल का जो कोरिया वर्जन है वो खेल सकते हैं, क्योंकि वो एशिया के सर्वर भी चलेगा। अगर यहाँ पे सिक्योरिटी लेवल पे सिर्फ सिक्योरिटी इश्यू को देखते हुए अगर ये बैन करते हैं तो आप खेल सकते हो, और अगर ये सर्वर लेवल पे बैन कर देते इसको, तो देखो पबजी मोबाइल ग्लोबल वर्जन और पबजी मोबाइल कोरिया वर्जन, ये दोनों ही भली एक दूसरे के अल्टरनेटिव अलग अलग ऐप्स है। गेम मतलब दोनों के अलग अलग आइकॉन, दोनों के अलग अलग एक ऐप्स मिल जाएंगे आपको। लेकिन देखो दोनों की अगर आप एशिया के अंदर जाके खेलोगे तो पिंग सेम मिलेगी, क्योंकि वो दोनों ही एशिया सर्वर पर चलते हैं। तो अगर सर्वर लेवल पर ही बैन कर दिया पबजी मोबाइल गेम को, तो देखो आप कोरिया वर्जन भी नहीं खेल पाओगे, सीधी सी बात है। क्योंकि वो वर्जन भी आप खेलते हो, वो जो कोरिया भी खेलते हो आप, तो वो भी खेलते तो आप एशिया में ही हो ना, मतलब एशिया के सर्वर पर ही खेलते हो ना। तो अगर एशिया सर्वर में ही पबजी मोबाइल को बैन कर दिया आपने इंडिया के सर्वर पे, तो आप ऑब्वियसली बात है ग्लोबल छोड़ो आप वो भी नहीं खेल पाओगे। अब बहुत से लोग बोल रहे हैं कि यार मतलब पबजी मोबाइल इतना बड़ा है और इसको कैसे बैन कर दिया ऐसे आसानी से। अब देखो यार आप, मेरे को पता है आप लोगों मतलब थोड़े इनोवेट हो रहे होंगे कि यार पबजी मोबाइल इतना अच्छा गेम था, अपना फेवरेट था, आप भी खेलते थे, तो आप ऐसा सोच रहे होंगे। लेकिन देखो यार ऐसी बात है कि अपने गवर्नमेंट ने अगर कुछ किया है तो सपोर्ट दिखाओ, कोई मतलब नहीं है कि किया है बैन तो कुछ अच्छे के लिए ही किया है। अब देखो यहाँ पर बात आती है, बहुत सारे गेम हैं पबजी मोबाइल, हो सकता है कि कुछ दिनों के बाद अनबैन हो जाए। अब मैं बताता हूँ इसके अनबैन होने के चांस कितने हैं। अब यहाँ पर आ जाता है कि कोरिया वर्जन का तो मैंने आपको बता दिया कि कुछ चांस है बैन होने के, मतलब ज़्यादा चांस बैन होने के और कम चांस है बैन नहीं होने के। कि अब यहाँ पर एक और बात ये भी निकल के आती है कि जो कोरिया वर्जन है वो इंडिया का नहीं है, वो पूरा अलग है कोरिया का है। लेकिन अब बहुत से लोग ये सोचते होंगे कि वो तो पूरा अलग कोरिया का है, लेकिन भाई सर्वर तो इंडिया के ही चल रहा है ना, मतलब आप खेल तो इंडिया के सर्वर पे ही रहे हो ना, जो आपको 40 पिंग 50 पिंग आती है वो खेल तो आप इंडिया के सर्वर पे ही रहे हो। अब यहाँ हो सकता है कि हाँ आप सोच रहे होंगे कि VPN लगा लेंगे ये, तो भाई देखो अगर आपकी 50 से 80 पिंग हो जाती है तब तो आपका दिल दुख जाता है, और आप बताओ VPN लगा खेलोगे तो कहाँ 250-300 पिंग में आप, मतलब ज़बरदस्ती वाला गेम हो जाएगा, फिर मज़ा नहीं आएगा। अब देखो ऐसा है कि एक बात और मैं आपको बता देता हूँ कि चांस है, कुछ चांस है कि पबजी मोबाइल फिर से रिकवर हो जाए, अनबैन हो जाए, वो कैसे होगा। देखो आपने देखा होगा जो COD मोबाइल है, कॉल ऑफ ड्यूटी, वो भी एक टेंसेंट का ही गेम था, जो टेंसेंट कंपनी है, जो चाइनीज़ कंपनी है, उसी का गेम था। लेकिन जब से ये पबजी मोबाइल, इससे पहले जब से मतलब पबजी मोबाइल का आया था बैन का, तो COD ने क्या किया, टेंसेंट कंपनी से जो भी इसकी पार्टनरशिप थी वो हटा दी और एक अलग नेम के साथ ये गेम फिर से इंडिया में आया है। तो ये जो 120 एप्स की जो लिस्ट है उसमें COD मोबाइल आपको देखने को नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने टेंसेंट के साथ अपनी जो भी पार्टनरशिप थी वो हटा दिए। तो मे भी हो सकता है अगर पबजी मोबाइल अगर टेंसेंट के साथ जो भी इसकी मतलब वो है, अगर वो टेंसेंट के साथ, टेंसेंट से अपना हाथ मिलाना छोड़ दे, मतलब टेंसेंट से हट जाए पूरी, अगर ये इंडिया की किसी कंपनी से या फिर ऐसे कुछ और अदर कंपनी से अगर ये पार्टनरशिप करके अगर फिर से इंडिया के अंदर आ जाए, तो हाँ ये चांस है कि ये फिर से अनबैन हो जाएगा। क्योंकि इसका बैन होने का पूरा रीज़न वही है, टेंसेंट कंपनी जो कि एक चाइनीज़ कंपनी है, इसीलिए। अब देखो गाइस अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि अपन क्या चलाएंगे, मतलब अपने चैनल के ऊपर अब कब आएगा, क्या आएगा। तो देखो गेम्स तो बहुत सारे यार, अपन किसी भी अच्छे अच्छे गेम्स निकालेंगे उनमें से वीडियो डालेंगे। और आप भी जितने भी पर्सन, जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हो, एक कमेंट डाउन में यही कर देना कि कौन सा गेम अपनों को अब खेलना चाहिए, मतलब गेम्स जो जो भी आपके माइंड में है, जैसे COD, फ्री फायर, ये तो नॉर्मल गेम हो गए, लेकिन जो भी आपके माइंड में है मोबाइल से रिलेटेड, कमेंट करो, वो गेम भी अपन ट्राई करेंगे। तो बस यार यही था इस वीडियो के अंदर, आई होप कि वाला वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो बस हम मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।